डार्क स्पॉट्स, काले हल्के, और भी इसको बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कॉमन हो चुका है। रात रात भर हम सोते नहीं हैं, मोबाइल और कंप्यूटर टीवी के आगे बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से, बेरामी की वजह से हमारे आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ जाते हैं, जिन्हें डार्क स्पॉट कहा जाता है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कोई ऐसी किफ़ायतशार रेमेडी आपके साथ शेयर करूं जो डार्क स्पॉट को पल भर में दूर कर दे। दोस्तों, पल भर में तो कोई चीज़ दूर नहीं होती, लेकिन ये रेमेडी मैं आपको गारंटी करता हूँ कि 3 दिन के अंदर अंदर आपके डार्क स्पॉट गायब होना शुरू हो जाएंगे। बहुत इजी और इफ़ेक्टिव और ट्राइड और टेस्टेड रेमेडी है। गारंटी के साथ साथ आपको ये इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेंगे। और आज से आप अगर रेमेडी शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर आपके आँखों के गिर स्याह हल्के गायब होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि कुछ लोगों के गायब हो भी जाएंगे विद इन 3 डेज। तो मज़ीद बातें नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, उन लोगों का शुक्रिया भी मैं अदा करता हूं साथ साथ जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया और हमारी हौसला अफजाई की है। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, डार्क स्पॉट एक ऐसी चीज़ है जो खूबसूरत चेहरे को भी बदनमा कर देते हैं। मैंने कई ऐसे खूबसूरत चेहरे देखे हैं जो बहुत देखने में दिलकश और खूबसूरत थे, लेकिन जो उनके आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ने की वजह से उनका चेहरा, मैं कहना नहीं ये चाहिए, लेकिन हुस्स ज़्यादा हो गया था, क्योंकि ये इतनी बदनमा चीज़ है हमारी खूबसूरती में कि खूबसूरत चेहरा भी बदनमा हो जाता है। एक खूबसूरत लड़का लड़की भी बहुत बदनमा नज़र आते हैं अगर उनके आंखों के गिर स्याह हल्के पड़े हुए हैं। तो इस नुहसत को दूर करने के लिए एक ऐसी टेस्टेड रेमेडी लाया हूं जो 3 दिन के अंदर अंदर आपके स्याह हल्कों को ख़त्म कर देगी। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने भाई बहनों को ऐसी रेमेडी दूं जो 100% वर्किंग भी हो और बिल्कुल मामूली चीज़ें उसमें ऐड हों, ये ना हो कि आपकी जेब से हज़ारों रुपये निकल जाएं। और दोस्तों, इसलिए मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि उन बहन भाइयों दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो हो सकता है कि वो इतनी महंगी जो है ट्रीटमेंट्स डॉक्टर और हकीम हजरात की ना ले सकते हैं। तो हो सकता है कि वीडियो शेयर करने से ये वीडियो में अच्छा मैसेज, अच्छी रेमेडी और सस्ती रेमेडी उन तक पहुंचे और उनका भला हो जाए। तो इसलिए हमारी वीडियो ज़रूर शेयर किया करें। मज़ीद बातें नहीं करते, रेमेडी की तरफ चलते हैं। जस्ट इसमें 3 चीज़ें हैं और वो भी घरेलू। दोस्तों, गौर से ज़रा सुनिएगा कि करना क्या है। खीरे आए हुए हैं आजकल, ठीक है, हमने खीरा ले लेना है और उसके जो है, जो जैसे झाग निकालते हैं, आपको पता है कि खीरे की झाग निकाल ली जाती है खाने से पहले। तो हमने खीरा लेना है, उसको उसका जो है सर के पास से थोड़ा सा हिस्सा काट लेना है। आपको पता ही होगा कि थोड़ा सा खीरा काट लेते हैं और उसको फिर रगड़ते हैं, खीरे को जो छोटा सा हिस्सा हम टुकड़ा काट लेते हैं उसको फिर खीरे से रगड़ा जाता है और झाग निकलती है, यानी जो खीरे की कड़वाहट होती है उस झाग की सूरत में निकल जाती है। तो हमें वही झाग की ज़रूरत है। आपने खीरे का सर वाला हिस्सा काट लेना है और अच्छी तरह रगड़ना है और झाग पैदा करनी है, जितनी झाग हो सके निकाल लेनी है। अब वो झाग इतनी थोड़ी मिकदार में और नाजुक होती है कि उसको किसी जार में या बोतल में तो सेफ कर नहीं सकते। तो उसका बेटर तरीका ये है कि उसको या तो खीरे के टुकड़े पर जमा कर ली जाए या एक छोटी चमची ले लीजिए, टीस्पून, उस पे सारा झाग इकट्ठा कर लिया जाए। झाग इकट्ठा कर लें, उसमें दोस्तों हमने लेना है छोटा सा आलू का टुकड़ा लेके उसको बिल्कुल क्रश कर लीजिए, उसको बिल्कुल उसका उसके ऊपर कोई डंडा या कोई ऐसी चीज़ मार के, वज़नी चीज़ मार के उसका पूरा उसका मलेदा बना दीजिए, उसका पूरा एक पेस्ट बना लीजिए कोई चीज़ के मदद से, उसको स्मैश करके, उसको मैश करके बिल्कुल उसका हमने पेस्ट बना लेना है। या चमची की मदद से भी खुर्च के आप डाल सकते हैं। जितनी हमारे पास झाग है उतनी ही मिकदार में हम या आलू का पानी निकाल लेंगे या हम आलू का टुकड़ा लेके उसको मसल के किसी चीज़ में से दबा के उसका पेस्ट बना के उस झाग में डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो तीसरी चीज़ पड़ेगी वो है विटामिन ई का कैप्सूल ले लीजिए और उसको इसमें शामिल कर दीजिए। इन तीनों चीज़ों को शामिल करने के बाद आपकी बेहतरीन सी रेमेडी रेडी है। इसको आपने उंगली की मदद से या उंगली की मदद से भी लगा सकते हैं, उंगली के पोर की मदद से आंखों के नीचे अच्छी तरह इसको मसाज कीजिए तब तक के जब तक ये पूरा जो हमारा पेस्ट तैयार हुआ है ये आँखों के गिर्द जज़ब ना हो जाए, ठीक है। और आपने इसको धोना नहीं है, आपने ऐसे लगे रहने देना है, यानी आपने जो पेस्ट बनाया उनको उंगली के पोरों की वजह से अच्छी तरह जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट हैं आँखों के गिर्द वहाँ जज़ब करा दीजिए।
आप अगर आंखों की उंगलियों के पोरों के में से जज़ब नहीं कराना चाहते तो किसी आलू के टुकड़े या खीरे, सबसे बेहतर है खीरे का जो काटा था टुकड़ा उसमें ही ये सारा पेस्ट लगा के आपने आंखों के गिर्द जहां डार्क स्पॉट है वहां इसको जो है उसको जज़ब करवाना है इस पेस्ट को, ठीक है दोस्तों। फिर मैं आपको बताऊंगा, एक दफ़ा रिपीट कर दूं क्या हमने किया था। हमने खीरे का टुकड़ा काटा है सर के पास से, जो उसका हेड होता है उसमें से खीरे का, जैसे आप नॉर्मल हमारे घरों में होता है खीरे का टुकड़ा निकाल के उसको रगड़ के झाग निकाल ली है। उस झाग को हमने किसी चमची या किसी हथेली पे या खीरे के टुकड़े के ऊपर ही जमा कर लिया है। बेहतर है छोटी चमची ले लें, उस पर जितनी झाग हो उस चमची पर जमा कर लें। फिर हमने छोटा सा आलू का टुकड़ा लिया है, उसको मैश कर लिया है, ठीक है, और उसमें हमने डाल दिया है। अगर आलू का टुकड़ा मैश ना करना चाहें तो आलू का पानी भी चमची की मदद से आलू खुरचें, तो यही जो है हमारा मैश का जो है मिक्सचर वो आलू से भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है वो इसमें हमने इस्तेमाल की है वो है विटामिन ई का कैप्सूल। इन सबको चमची पे ही मिक्स कर लें, ठीक है, और उस मिक्स करने के बाद जो पे आपका जो है रेमेडी रेडी है, उसको उंगली के पोरों के मदद से भी जज़ब करा सकते हैं। और खीरे या तो खीरे का जो टुकड़ा है उसकी या आलू का किसी टुकड़े की वजह से उसको आंखों के गिर जहां डार्क स्पॉट है वहां जज़ब करा देना है। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपके डार्क स्पॉट गायब हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये आप टेस्ट करेंगे। और दोस्तों मैं भी रात भर जागता रहता हूं तो मेरी आंखों के गिर्द भी हल्के आ गए थे, और ये मैं आपको गारंटी से, इसलिए 110% गारंटी से मैं किसी न किसी, जैसे मैं कहता हूँ हर मेरी रेमडी टेस्टेड होती है, मैंने खुद अपने आप पे भी टेस्ट की थी, और इंशाल्लाह मेरे 3-3.5 दिन में जो है 4 दिन में बड़ी हाल मेरे हल्के नहीं थे, बिल्कुल गायब थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको टेस्ट करेंगे और दुआओं में याद रखेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा।